जब जब बहार आए। देखो इनका फिर से सामान बिखरा हुआ, किसी काम का नहीं है। फिर से नए जूते, इस बंदे को सिर्फ जूतों का शौक है। किया तुमने? दूर रहो मुझसे, अब तुम सिर्फ मेरी लाश को हाथ लगाना। विशाखा पागल मत बनो, क्या किया तुमने? तुम्हें तुम्हें समझ भी आ रहा है? मर जाने दो मुझे, जिस जिंदगी में तुम नहीं नहीं चाहिए मुझे वो जिंदगी। ऐसी पागलपंती वाली हरकतें मत करो प्लीज। विशाखा ऐसा नहीं करते, क्या किया है तुमने? क्या क्या कर रही हो तुम विशाखा? तुम्हें पता है सब गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। प्लीज देखा मनीष, जीते जी तो कभी तुमने अपनाया नहीं, कम से कम मरते हुए तुम्हारी बाहों में तो और इस जिंदगी से बेहतर तो मौत है। चुप, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। तुम चाहते हो ना मैं जिंदा रहूं? बोलो मनीष, चाहते हो ना? हाँ विशाखा, हाँ। एक बार मुझे अपनी बाहों में ले लो। आई लव यू मनीष, तुम हमेशा मेरे साथ रहो प्लीज। मुझे जाना होगा, पर तुम अपना ख्याल रखना। कब आओगे? पता नहीं, लेकिन तुम वादा करो कि आगे से ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करोगे। मिलने के लिए तो आओगे ना? मैं
मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं कामया को और धोखा नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कामया को धोखा देने की बात नहीं कर रही, ना ही तुम्हें परिवार छोड़ने के लिए बोल रही। मैं तो सिर्फ तुमसे कुछ वक्त और प्यार चाहती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और काम्या को हम दोनों का कभी पता नहीं चलेगा। शर्म आ रही है? तुम्हारी जैसी घटिया औरत को शर्म क्यों आएगी? काम्या, कंट्रोल योरसेल्फ। इसलिए नहीं कि तुम मनीष के साथ थी, ये इसलिए कि तुमने एक औरत की जिंदगी बर्बाद की है। ये मासूम बच्चों की मासूमियत के साथ खिलवाड़ करने के लिए, हंसते खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ने के लिए। मासूम बच्चों पर जरा भी रहम नहीं आया? क्या मिला तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके? हाँ बोलो, क्या मिला तुम्हें? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। छोड़ो आपको, ये क्या तरीका है? पागल हो गई हो क्या? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। वाह मिस्टर मनीष, वाह। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सब मेरे लिए कर रहे हो, सिर्फ मेरे लिए। और तुम मुझे बता रहे हो कि ये क्या तरीका है? जो तुम कर रहे हो वो सही तरीका है? क्या ऑफिस बना रखा है? इतना आलीशान ऑफिस? यहां काम करते हो तुम? और इस तरह से तुमने विशाखा को अपनी जिंदगी से निकाला है? कितना झूठ बोलोगे तुम मनीष, कितना झूठ बोलोगे? छी, मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे मक्कार और धोखेबाज पे भरोसा किया। अरे तुमसे तो वो बाजारू औरत अच्छी है जो पैसों के लिए अपने जिस्म को बेचती है।
अपने परिवार से ज्यादा अपनी रंगरलियों से प्यार है, अपनी बीवी से ज्यादा खेल से प्यार है। हाँ प्यार है, यही सुनना चाहती हो ना तो? हाँ मुझे इससे प्यार है। क्या करोगे है? क्या यही सुनना चाहती थी ना? और काम्या जी, आप ये भूल रही हैं कि हम दोनों का तलाक हो चुका है। और इस बीच अगर मैं किसी से मिलता हूं, किसी से बात करता हूं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझिया, ये बात कान खोलकर सुन लो। मुझे भी सुनाना आता है, जैसे आप बोल सकती हैं, मैं भी खूब बोल सकता हूं, लेकिन साथ में मुझे सुनना भी आता है, जो कि आपको नहीं आता है। इसीलिए मैंने जो कुछ भी कहा है उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। इसी बात का डर था, मनीष संभालो अपने आप को। ये सब जो भी आज हुआ ये कल होना ही था, अच्छा हुआ आज हो गया। संभालो खुद को, अब तो सिर्फ तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। जब जब बहार आए, ये सब जो भी आज हुआ ये कल होना ही था, अच्छा हुआ आज हो गया। संभालो खुद को, अब तो सिर्फ तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम,
वो फिर नहीं आते। लेकिन अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी कामे, मैं जीवन में कुछ भी पालूं वो सब कुछ बेकार हो। काम्या, काम्या प्लीज तुम रो मत। भले ही मुझे माफ मत करो, पर अपने आप को तकलीफ मत दो। आंख धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ड्राइवर गाड़ी रोकिए। जब जब बहार आए, ड्राइवर गाड़ी रोकिए। और काम्या जी, आप ये भूल रही हैं कि हम दोनों का तलाक। और इस बीच अगर मैं किसी से मिलता हूं, किसी से बात करता हूं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझिया। हां, मुझे इससे प्यार है। बोलो क्या करोगी। मनीष, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकती। परेशान नहीं हूं विशाखा, तो क्या करूं? तुम काम्या को नहीं जानती, वो कुछ भी करने को तैयार हो सकती है अभी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। आज जो कुछ भी उसे पता लगा वो पहले से जानती थी। तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और इतने महीनों से तुम दोनों अलग रह रहे हो, तब उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज उसे सिर्फ वो सच पता चला है जो वो पहले से जानती थी। आज उसने बस हमारे प्यार को अपनी आंखों से देख लिया, जो कि अच्छा ही हुआ ना। उसके पास जीने की बहुत सारी वजह है, बच्चे हैं, फैमिली है, और मेरा क्या? मैं तो तुमसे प्यार करती हूं ना, और मेरे लिए तो जीने का तुम एक ही सहारा हो। आई लव यू सो मच। आ
तलाक, हम दोनों का तलाक, हम दोनों का तलाक, हम दोनों का तलाक। हाँ मुझे इससे प्यार है, हाँ मुझे इससे प्यार है, हाँ मुझे इससे प्यार है, हाँ मुझे इससे प्यार। और इस बीच अगर मैं किसी से मिलता हूँ, किसी से बात करता हूँ, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्यार है।